लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। रायपुर जिले के अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बनचरौदा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे व सरकार द्वारा चलाए जा रहे चार चिन्हारी के तहत गायों के उचित देखभाल के लिए गौठान बनाए जा रहे हैं, जिसका निरीक्षण किए साथ ही पूर्व के भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार द्वारा मात्र बड़े तबके के लिए ही योजनाएं बनाते थे पर किसानों के हितों की ओर कभी ध्यान नहीं दिए। अब हमारी सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ किसानों को ध्यान में रखते चार चिन्हारी के तहत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू ने भी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ग्राम बनचरौदा में बने गौठान का मुख्यमंत्री निरीक्षण किया और किए जा रहे कार्यों पर सरपंच को धन्यवाद दिया। आपने आकांक्षी जिला घोषित कर दिया, तो सबसे पिछड़े जिला देश भर में उसको आपने चिन्हित आकांक्षी जिला कर दिया, लेकिन नाम भर बदल देने से क्या उसके लिए कोई योजना है? आता वही में आम जनता को क्या लाभ मिला? पिछले रुपया पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि, आपने मध्यम वर्ग के लोगों को आपने कुछ दिया नहीं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले के लिए भी आपके पास कोई बजट नहीं, जो नक्सल प्रभावित जिला उसके लिए कोई बजट नहीं, जो योजना है उसमें 60-40 का आपने रेशियो रखा है, उससे कोई हमको कोई लाभ नहीं है। अमीरों को शेष, गरीबों को आस, ताकता रहेगा मिडिल क्लास। बिल्कुल सही बात है, बड़े लोगों की बजट, आम लोगों का बजट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.